नमस्कार दोस्तों, भूमि नोट एरिया 7 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2022 ह्युंडई क्रेटा के बारे में। 2022 ह्युंडई क्रेटा को रशियन मार्केट में पेश कर दिया गया है। इस एसयूवी को अपडेट के साथ मार्केट में उतारा गया है जो ग्राहकों को काफ़ी पसंद आएगा। आपको बता दें कि ब्राज़ील में भी इस एसयूवी के सेकेंड जनरेशन मॉडल में एंट्री ले ली है। इस एसयूवी में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो इसके फ्रंट फेस में देखने को मिलेगा और यही अपडेट इसे सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है। इस मॉडल को जल्दी भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में आने वाली ह्युंडई क्रेटा की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट, प्राइस, इंटीरियर, एक्सटीरियर फीचर्स, इंजन, पावर सभी के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों पहले तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं 2022 क्रेटा के एक्सटीरियर से। ह्युंडई क्रेटा फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट फेस का है जो शुक्रवार को भारत में लॉन्च हुई ह्युंडई क्रेटा जैसा होगा, जिससे एसयूवी पहले से ज़्यादा प्रीमियम लुक देगी। साथ ही इसमें कई सारे अपडेटेड फीचर्स को भी शामिल किया जा सकता है। रशिया में इस एसयूवी के फेसलिफ्ट मॉडल में ह्युंडई अल्काज़ार जैसे कई डिजाइन एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। ह्युंडई ने नई एसयूवी के ग्रिल और ट्रंक लीड में बदलाव किए हैं। इन बदलाव के बाद नई ह्युंडई क्रेटा का काफ़ी हद तक ह्युंडई अल्काज़ार जैसा लुक नजर आता है। अपडेटेड मॉडल में एलईडी लाइट्स को सिग्नेचर पैरामेट्रिक ग्रिल में मिला दिया गया है, जैसा कि ट्यूशन एसयूवी में देखा गया है। इसमें दो वर्टिकल एलईडी हेडलैम्प्स ग्रिल के हर कोने पर लगाया गया है, वही हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड डीआरएल ग्रिल के ऊपर स्थित है। ऐसा ही सेटअप ह्युंडई पैलेसिड्स एसयूवी में देखने को मिला था। हालांकि एसयूवी के साइज में कोई बदलाव की संभावना नहीं है और यह मौजूदा मॉडल जितनी ही बड़ी रह सकती है। एसयूवी के रियर में मामूली कॉस्मेटिक बदलाव किए जाने की संभावना है, जिससे यह मॉडल मौजूदा मॉडल से थोड़ा अलग लगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं नई ह्युंडई क्रेटा के इंटीरियर के बारे में। दोस्तों ह्युंडई क्रेटा को पहले से ज़्यादा प्रीमियम लुक में और प्रीमियम क्वालिटी में पेश किया जाएगा। इसके अंदर आपको प्रीमियम क्वालिटी के लेदर सीट्स, सॉफ्ट ड्यूल टोन डैशबोर्ड, वर्टिकल पोजिशन एसी वेंट, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो से लेस होगा, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील्स, रिक्लाइन रियर सीट्स, लार्ज डोर पॉकेट, हैंड्स फ्री बूट ओपनिंग, सीट्स विद हेड रेस्ट, एक्टिव पार्किंग असिस्ट, हीट रिजेक्शन ग्लासेस, क्रूज कंट्रोल जैसे शानदार फीचर्स और थोड़े बहुत इंटीरियर बदलाव के साथ इंडियन मार्केट में लाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं नई ह्युंडई क्रेटा में मिलने वाले इंजन की। नई ह्युंडई क्रेटा फेसलिफ्ट में इस्तेमाल किए गए इंजन के बारे में अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई क्रेटा माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस हो सकती है। इसके साथ ही नई एसयूवी में ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी भी दी जा सकती है। भारत में क्रेटा का सेकेंड जनरेशन मॉडल 3 इंजन विकल्प के साथ मिलता है, जिसमें से पहला इंजन आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाता है जो 115 bhp का पावर और 144 nm का टॉर्क जनरेट करता है। वही दूसरा इंजन आपको 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाता है जो 140 bhp का पावर और 242 nm का टॉर्क जनरेट करता है। तीसरा इंजन आपको मिलता है 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 115 bhp का पावर और 250 nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह एसयूवी 6 स्पीड मैनुअल, IEVT 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक और 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक जैसे 4 गियर बॉक्स ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं ह्युंडई क्रेटा की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। क्रेटा को 2022 के फर्स्ट क्वार्टर तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। इसके प्राइस की बात करें तो पुराने मॉडल से 1 या 1.5 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों क्या यह कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो आप लेना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों थैंक यू अंत तक देखने के लिए।